आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी हुई है एच प्लस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस प्लस थ्री बी आर माइनस फॉर्म्स फाइव बी आर टू प्लस एच टू ओ। तो इसमें कंजप्शन और इन्फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस अपॉन थ्री डी टी इज इक्वल टू। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट्स का कंजप्शन। अब अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टू अपॉन फाइव डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बी आर माइनस और बी आर टू को रिलेट किया, मतलब ये वाला पार्ट, तो माइनस डी बी आर माइनस अपॉन डी टी, अगर मैं थ्री यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टू अपॉन डी टी, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ बी आर माइनस अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन फाइव बी आर टू की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे करेक्ट दिख रहा है, बाकी ऑप्शंस में यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।